एक तो ऐसा बाइक देखे यार, BMW S1000 RR, द ब्लैक बीस्ट। हम लोग का रोड ट्रिप का भी प्लान है। इतना सुपर बाइक हम लोग देखे, इतना सुपर बाइक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग आफ्टर 3 मंथ्स। तो इस 3 महीना में हम एक भी व्लॉग नहीं बना सके थे क्योंकि ये जो जगह है इसका काम चल रहा था जहाँ पे हम बाइक रखते, तो बाइक मेरे पास 3 महीना से नहीं था। पर फाइनली अब मेरे पास बाइक आ चुका है, तो आज हम लोग जाने वाले राइड पे, हम और इमरान भाई। इमरान भाई अभी हेलमेट साफ कर रहा, अपना नया हेलमेट है वेगा का। तो ये हेलमेट जब हम लोग बाय करने गए थे तो इसका वीडियो तो आप लोग देखे थे, पर फिर भी एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उस वीडियो पे अभी 10,000 व्यूज़ आ चुका है। सो आज हम लोग जाने वाले राइड पे शेरे पंजाब, आज संडे का दिन है तो संडे राइड पर हम लोग जा रहे हैं, और हम और इमरान भाई है सिर्फ, और कोई है नहीं। तो एक लड़का और था पर उसका कुछ इशू आ गया तो आज वो नहीं आ सकता है। तो आज हम और इमरान भाई जा रहे राइड पे, और इतना दिन से जो वीडियो नहीं बनाए इसका बारे में बात हम लोग आगे राइड पे करेंगे। तो आज हम जाने वाले अपना R15M पे, और इमरान भाई बर्निंग मैन पे जाएगा। तो अब हम लोग आपको डायरेक्ट मिलते हैं राइड पे। सो गाइज, एक दोस्त जो हम लोग का आने वाला था वो कैंसिल हो गया था, पर मैदान हम लोग निकले जैसे बाइक लेके तो दूसरा दोस्त मिल गया, और वो बोला कि हम 5 मिनट में रेडी हो के आ रहे, हम भी चलेंगे। तो फिर हम लोग बोले ठीक है, रेडी हो क्या, और 5 मिनट के अंदर ही रेडी हो के आ गया। इसको जाने का इतना एक्साइटमेंट था। तो अभी हम लोग 3 आदमी फिर से हो चुके हैं, और 3 आदमी हो गए तो अच्छा है, 3 आदमी बेटर है, क्योंकि हम लोग को रास्ता सही से पता नहीं है, बहुत दूर है, 70 किलोमीटर का लगभग है, आने जाने का अप्रॉक्स 150 किलोमीटर है। तो नेविगेट करने के लिए बहुत बेटर ऑप्शन है हम लोग के लिए कि तीसरा आदमी रहे साथ में। सुबह सुबह राइड करने का बात ही अलग रहता है, और ऊपर से हम लोग जा रहे इतना दूर तो रोड भी सब अच्छा मिल रहा, वरना हम लोग की तरफ तो इतना अच्छा रोड है नहीं। और ये है विद्या सागर फ्लाईओवर, ये कोलकाता का बहुत फेमस फ्लाईओवर है। यहाँ का रोड थोड़ा ख़राब हो गया है पर ये फ्लाईओवर बहुत फेमस है। और हम लोग अभी संडे राइड में जहाँ जा रहे हैं उस जगह का नाम है शेरे पंजाब ढाबा। बेसिकली बोला जाता है ढाबा पर वो है एक रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे संडे का दिन तो आज बहुत बाइक आया होगा, बहुत बाइकर्स लोग आए होंगे, तो देखते हैं वहाँ पर ही कौन कौन सा बाइक आया होगा, तो आप लोग को भी दिखलाएंगे आगे चल के। तो अभी लेट्स इन्जॉय द राइड। आई हैव अ लुक, यहाँ से पूरा नज़र आ रहा सब तरफ, क्या खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं गोप्रो में दिख रहा होगा या नहीं, गोप्रो दूर का चीज़ कैप्चर सही से नहीं कर पाता है तो जस्टिस नहीं हो पा रहा होगा, पर अभी बहुत खूबसूरत दिख रहा है सब तरफ, और पूरा क्लाउडी क्लाउडी है। यहाँ पे बाइकर्स का ग्रुप जा रहा है, कोई USD लेके, कोई बुलेट लेके, कोई जावा का चला रहा है, पर बेसिकली है बुलेट टाइप का कैटेगरी का बाइक, तो प्रॉपर राइडर्स लोग हैं, लेडीज़ भी है इसमें और जेंट्स भी है। संडे राइड में बोले तो दूर निकलने से कहीं जाने से बहुत बाइकर्स लोग मिलेंगे। हमारे पास भी ग्लव्स से पहन लेंगे तो राइडर से कम नहीं लगेंगे, पर गोप्रो ऑपरेट करने के लिए ना ग्लव्स पहनते नहीं हैं, ग्लव्स पहन के ऑपरेट नहीं हो पाता सही से। हाँ देखिए, यहाँ पे तो प्रॉपर लग रहा है टूरिंग के लिए जा रहे कहीं। GV का टॉप बॉक्स लगा हुआ है, USD का बाइक है, और फुल
प्रिपरेशन टूर का किया हुआ बाइक में। ये है टोल हम लोग का, यहाँ पे बाइकर्स का मीटिंग पॉइंट है और सब बाइक यहाँ पे भी एक मीटिंग पॉइंट है और वहाँ पे बाइकर्स का जो इससे पहले वाला मीटिंग पॉइंट था वहाँ पे सब बाइक टोटली प्रिपेयर किया हुआ था टूरिंग के लिए। तो शायद उन लोग यहाँ अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे टूरिंग में कैसे करके बात किया जाता है, मतलब बाइक गेस्चरिंग, क्योंकि गेस्चर करके बात करना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर सबके पास सेना नहीं है या फिर किसी का कुछ इशू हो गया कि इंटरकॉम से कनेक्ट नहीं है तो गेस्चर करके बात किया जाता है, जो कि हम लोग भी करते हैं और वो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कहीं जाने का प्रिपरेशन हो रहा होगा उन लोग का, क्योंकि सब बाइक टोटली प्रिपेयर था, फुल्ली लोडेड था सब बाइक वहाँ पे टूर के लिए। तो गाइस 3 महीना जो हम वीडियो नहीं बना पाए उसका रीज़न था कि आपको बताए हम जहाँ इंट्रो शूट किए वहाँ काम हो रहा था, जहाँ हम बाइक रखते हैं तो वो बेसिकली एक दुकान बन रहा है हम लोग का, और वो जब बनेगा तो आप लोग को दिखा देंगे। पर फ्लोरिंग का काम हो रहा था तो उसमें तो टाइम लगता है, फ्लोरिंग का काम हुआ, फिर पेंट हुआ, और भी बहुत सारा काम हुआ, लाइटिंग का और भी, तो इस वजह से अप्रॉक्स 2.5 मंथ्स लग गया था। तो बीच में तो हम व्लॉग बना नहीं पाए क्योंकि ये वाला बाइक मेरा पापा का दोस्त का घर में रखा हुआ था और उनका घर से बार बार निकालना और ले जाना सही नहीं था क्योंकि उनका हॉल रूम में रखा हुआ था ये बाइक भी और R15 V2 भी, तो इसलिए व्लॉग नहीं बना पाए। बस एक बार सेकंड सर्विस के लिए निकाले थे बाइक, पर उसका भी शूट नहीं किया क्योंकि फर्स्ट सर्विस का हम ऑलरेडी शूट कर चुके थे, तो सेकंड सर्विस का शूट करना हमको इम्पॉर्टेंट लगा नहीं। हम क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर रहे, क्वालिटी पे फोकस कर रहे, इसका बाद भी बहुत सारा प्लान है और अगर वैसे ही प्लान अकॉर्डिंगली चला तो अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है आपके लिए, और हो सकता है कुछ महीनों के बाद हम लोग का रोड ट्रिप का भी प्लान है, तो देखते हैं आगे क्या होगा। यार कुछ किलोमीटर तक तो रास्ता खाली मिला पर फिर थोड़ा देर बाद जैम मिलने लगा, अभी थोड़ा पहले भी जैम था और यहाँ भी बहुत जैम है, तो हम लोग को बीच से जिगल जिगल करके निकलना पड़ रहा है क्योंकि जाम में फंस जाएंगे तो और लेट हो जाएगा, और वहाँ पर ही जितना सुबह पहुँचेंगे उतना अच्छा है। और नेक्स्ट टाइम का भी संडे राइड करेंगे तो हम लोग को लग रहा 5 बजे निकलना पड़ेगा, वैसे इस बार हम लोग 6 बजे निकले थे। तो इस जैम को थोड़ा क्रॉस करके फिर उसके बाद आप लोग से आगे मिलते हैं। सब लोग रास्ता में मिल गया था, सब बोला कैमरा में हम लोग को ले लेने, कैमरा ऑन है, हाय कर दे, सब जाके सब्सक्राइब कर देगा ना, ये तो कर दिया है, ठीक है तुम लोग भी सब कर देना, ठीक है चलते अब कर कर बस बस सुपर बाइक वाला फीलिंग आ रहा है। ठीक है आते हैं बाय, ठीक ठीक है बाय, पूरा सुपर बाइक वाला फील दे दिया बच्चे लोग, जो ट्रोटे लमेटे आज फीलिंग आ रहा था, मोटो व्लॉगर, बड़ा मोटो व्लॉगर सेलिब्रिटी वाला। यार अभी हम थोड़ा देर पहले ये GoPro उतार दिए थे और उसको दे दिए थे, वो शूट कर रहा था, आप सिनेमैटिक वीडियो देख चुके होंगे,
तो उस दौरान में इतना सुपर बाइक हम लोग देखे, इतना सुपर बाइक कि हम लोग को अभी लालच आ रहा है कि उस टाइम अगर हम कैमरा लगा के रहते ना हेलमेट में तो थंबनेल मिल जाता। हम लोग हायाबूसा देखे, ZX10R देखे, और मैं भी हमको लगा पीछे से R1 भी देखे, पर पता नहीं R1 कोलकाता में है या नहीं और यहाँ पे है या नहीं पता नहीं, पर R1 हमको लगा कि हम देखे। और एक तो ऐसा बाइक देखे यार, BMW S1000 RR, वो भी एकदम न्यू मॉडल, वो भी ब्लैक कलर का, द ब्लैक बीस्ट। वो तो हम लोग को पोज भी देते हुए गया, उसका तो पक्का वीडियो बन जाता, हम लोग को थंबनेल मिल जाता वो S1000 RR के साथ। पर बैड लगता है यार कि हम कैमरा नहीं लगा के थे, पर कोई बात नहीं है, आगे जब हम लोग ढाबा में जाएंगे तो वहाँ पर ही शायद बहुत से सुपर बाइक मिलेगा, और मिलेगा तो आप लोग को ज़रूर दिखलाएंगे, और हो सके तो थंबनेल भी अपने लिए निकाल लेंगे, क्योंकि थंबनेल ही से तो व्यूज़ आता है यार। और अभी मौसम देख सकते हैं आप लोग कि कैसा हो गया, एकदम क्लाउडी हो गया, और अभी थोड़ा देर पहले ही ना बारिश भी हो रहा था, पर वो तो अच्छा है कि ज़्यादा कस के नहीं हुआ, नॉर्मल तो हुआ फिर रुक गया, पर देख के तो लग रहा है कि बहुत कस के होने वाला बारिश, क्योंकि एकदम क्लाउडी हो रहा है एकदम, और हम स्मोक वाइजर लगा के तो हमको कुछ ज़्यादा अंधेरा लग रहा है, हो सकता है GoPro में उतना नहीं लग रहा होगा। घर से निकलते वक्त तो ट्रिप मीटर जीरो कर लिए थे, और अभी कुछ 50 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं, और थोड़ा 20 किलोमीटर के लगभग बाकी है, तो थोड़ा स्पीड चला के देखते। यार यहाँ का जो रोड है ना एकदम स्मूथ हाईवे का तरह है, एक्चुअली हाईवे ही है, पर यहाँ पर ही एक ही दिक्कत है, कौन कब आदमी और जानवर पास हो जाए बस इसका गारंटी नहीं है, तो बस इसको थोड़ा फोकस करके चलाना पड़ता है, अदरवाइज आप यहाँ पर ही बहुत स्पीड चला सकते हैं। यार आगे कार आ गई, 125 हाईएस्ट गया